दोस्तों मैं आपके लिए फिर से नई ट्रीजर हंटिंग मूवी वाली वीडियोस को लेकर आया हूँ और ये मूवी सभी हाई IMDb रेटिंग वाली मूवी है। वैसे लेकिन दोस्तों ये सभी मूवी एनिमेटेड सीरीज की हैं, लेकिन आप सच में ट्रीजर हंटिंग मूवी को पसंद करते हैं तो मैं दावा करता हूँ ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली। तो दोस्तों बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है जिसमें कोई खजाना कई सारी पहेलियों और सबूतों को इकट्ठा करके उनको सुलझाकर खजाना ढूंढा जाता है तो ये मूवी बहुत ही शानदार है। दोस्तों इस मूवी में एक आदमी के पास इतना खजाना होता है कि वो कई देश खरीद ले और वो अपना खजाना समुद्री रास्ते से ले जाता है, लेकिन रास्ते में उस पर लुटेरे हमला कर देते हैं और वो खजाने को सभी से छुपा देता है, लेकिन वो खजाना छुपाने के बाद वहाँ से भाग जाता है और उस खजाने को ढूंढने के लिए ऐसे गुप्त संदेश बनाता है जो कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसे ढूंढ सकता है। तो उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम टिनटिन होता है, वो इन सभी सबूतों को इकट्ठा करता है और उस खजाने की खोज करता है। और दोस्तों इसमें कुछ विलन भी होते हैं, वो भी यही खजाना ढूंढते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये एक एडवेंचर एक्शन और ट्रीजर हंटिंग का फुल पैकेज है। दोस्तों ये मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। इस मूवी का नाम एडवेंचर ऑफ टिनटिन है। ये मूवी को सन 2011 में रिलीज किया गया था और इसको IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों आपने सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि एल्डोराडो शहर के बारे में तो सुना होगा, जो कि पूरा सोने का शहर था और उसके ऊपर कई सारी मूवी बनी है। तो दोस्तों ये भी मूवी उसी गुप्त शहर के ऊपर बनी है। दोस्तों एक बात और, बेसिकली ये एक एनिमेशन मूवी है, लेकिन आपको सच में ट्रीजर हंटिंग वाली मूवी पसंद है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये मूवी बहुत ही शानदार है। इस मूवी में दो दोस्त होते हैं और वो दोनों छोटे मोटे चोर होते हैं। एक बार उन्हें जुओ में एक गुप्त शहर का नक्शा मिलता है जो कि सिटी ऑफ गोल्ड का होता है, लेकिन वो उसे मजाक में लेते हैं। एक बार वो वहाँ किसी जुर्म की सजा काट रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें समुद्री रास्ते से किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है तो वे वहाँ किसी तरह से भाग जाते हैं और वो गलती से नक्शा भी उन्हीं के साथ चला जाता है और वो अनजाने में उसी द्वीप पर पहुँच जाते हैं जिस पर एल्डोराडो होता है। और वो एल्डोराडो सिटी में घुसने का रास्ता कैसे ढूंढते हैं ये आप खुद देख लेना। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका पीछा कुछ लुटेरे भी करते हैं और वो वहाँ जाना चाहते हैं। फिर वो दोनों दोस्त कैसे उस शहर को उन लोगों से बचाते हैं और उस सोने को भी बचाते हैं और उस शहर को फिर से कैसे सभी लोगों से छुपा देते हैं, तो आप ये खुद देखना दोस्तों, ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस मूवी का नाम रोड ऑफ एल्डोराडो है। इस मूवी को सन 2002 में रिलीज़ किया गया था और इसको IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों अगर आपको ट्रीजर हंटिंग में लॉस सिटी ऑफ गोल्ड का नाम सुना है तो शायद आपने अटलांटिस सभ्यता के बारे में भी जरूर सुना होगा। उनकी सभ्यता के पास बेशुमार खजाना होता था, तो ये मूवी उसी कहानी पर बेस्ड है। दोस्तों ये भी एक बेसिकली एनिमेशन मूवी है, लेकिन ये एक शानदार मूवी है और मुझे उम्मीद है ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें एक लड़का होता है माइलो थेट, उसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं अटलांटिस सिटी के बारे में। वो समुद्र में कहीं छुपी होती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उसके साथ कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन फिर उसमें एक आदमी होता है जिसे पता होता है और वो उस सिटी को लूटना चाहता है और इसी कारण वो माइलो का विश्वास दिलाता है कि वो उसकी खोज को सपोर्ट करेगा। और फिर वो इस शिप के जरिए समुद्र के खतरनाक रास्तों को पार करके उस सभ्यता में पहुँच जाते हैं। लेकिन जब माइलो को ये पता चलता है कि ये सभी लूटने आए हैं तो फिर वो कैसे सबको उन लुटेरों से बचाता है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना, ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी है। इस मूवी का नाम अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर है। ये मूवी सन 2001 में रिलीज की गई थी और इसको IMDb ने 6.9 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 में से। दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अगर दोस्तों पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सके। दोस्तों आज तक आपने जितने भी ट्रेजर हंटिंग मूवी देखी हैं ये उन सभी से हटकर है, क्योंकि इसकी स्टोरी सबसे हटकर है, क्योंकि इसकी स्टोरी किसी दूसरी गैलेक्सी के हिसाब से है। और दोस्तों आज तक आपने खजाने को समुद्र में ढूंढने वाली मूवी देखी होंगी या फिर लॉस सिटी के बारे में मूवी देखी होगी या फिर ज़मीन में दफन खजाने को ढूंढने वाली मूवी देखी होंगी, लेकिन ये मूवी उन सबसे हटकर है क्योंकि इस मूवी में पूरा खजाने का प्लेनेट ढूंढा जाता है। दोस्तों ये बेसिकली एक एनिमेशन मूवी है, लेकिन फिर भी एक ज़बरदस्त मूवी है। अगर दोस्तों ये इसको इंसानों को रियल कास्ट करके इस मूवी को बनाया जाता तो शायद इसकी जैसी कोई और मूवी होती। तो मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप टेंशन ना लें, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस ट्रेलर के तौर पर कुछ बताऊंगा। इसमें एक छोटा लड़का होता है जो कि अपनी माँ के साथ रहता है
उसकी माँ एक होटल चलाती है। एक दिन उसके घर पर आसमान से एक शिप गिरता है, उसमें एक जीव निकलता है और वो उस लड़की को एक ऐसे प्लैनेट का नक्शा देता है जो कि सिर्फ उसी के ज़रिए ढूंढा जा सकता है, और उसके पीछे गुंडे भी थे। तो आप लोग देखना कि कैसे वो लड़का अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है और अपने अंतरिक्ष सफ़र के किन मुसीबतों का सामना करके सभी पहेलियों को सुलझाकर उस खजाने वाले ग्रह पर पहुंचता है, और जब उस खजाने को देखता है तो उसकी आँखें फटी रह जाती हैं। दोस्तों, जब आप इस मूवी को देखोगे तो ये आप खुद समझ जाओगे, ये एक शानदार ट्रीजर हंटिंग वाली मूवी है और इस मूवी का नाम ट्रीजर प्लैनेट है। और ये मूवी सन 2002 में रिलीज़ की गई थी। इसको IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी 8/10 में से, और ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखना। इस वीडियो में जो भी मूवी देखी है, अगर आप वो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इस चैनल के नीचे मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जिसमें आप जो मूवी चाहोगे मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाता रहूँ। तब तक के लिए फिट रहिए। बाय बाय।